अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमान। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एक्सचेंज से रिलेटेड है, और वो आपको हमारे सामने नज़र आ रही है। ये है पैनासोनिक की KX TES है ये, और 824 यानी 824। और यहाँ पे ये देख लीजिए, ये हाइब्रिड सिस्टम है ये, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है TES 824 एडवांस हाइब्रिड सिस्टम। तो इसी से रिलेटेड ये सारी की सारी होगी, और इसको कन्फिग्रेशन और इसकी सेटिंग और ये वो सब कुछ आपको इसी सीरीज़ में, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो लीजिए, इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने ऑपरेटर असाइनमेंट जो होती है उसको सेट कर सकते हैं अपने पैनासोनिक पे। एडवांस हाइब्रिड सिस्टम है ये हमारे पास, TES 824। तो उसके लिए जाना पड़ेगा आपको सिस्टम पर। हम सिस्टम पर सबसे पहले, वही आपको पता है किस तरह करते हैं, *#। अब पासवर्ड मांग रहा है 1234, और अब यहाँ पे प्रोग्राम नंबर मांग रहा है। इसके लिए जो नंबर हम इस्तेमाल करते हैं वो है 008। तो ये देखिए, ऑपरेटर एग्जिस्ट, मतलब ऑपरेटर को आप कौन सा जैक जो है वो असाइन करना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली हम इसको 1 का यूज़ करते हैं, तो हम 1 ही इसको सेट कर दें। आई थिंक ऑलरेडी भी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट भी 1 ही होगा, तो चल खैर फिर भी हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और जैक नंबर मांग रहे हैं हमसे, हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 101। खैर हम इसको अगर चेंज करना, शायद 10 आ गया, 1 प्रेस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसको हम 01 ही रहने देंगे। हम चाहते हैं इसको स्टोर नहीं करेंगे, वापस चले जाएंगे। तो ये नॉर्मली जो रीसेट होने के बाद या फिर नया लेने के बाद वो जो डिफ़ॉल्ट में आएगा वो 0 ही होगा, यानी 0। एक दफ़ा फिर से दिखा देता हूँ, 008 ऑपरेटर एग्जिस्ट जैक 1 है, हमें इसी को रहने देना है। तो इसको सेटिंग को सेव कर देंगे, ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं, वैसे ये सेव भी नहीं होगी जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे। और इसके अलावा हम इसी वीडियो में देखते हैं कि को लाइन का जो हम करते हैं सेटिंग डायल मोड की, वो किस तरह से कर सकते हैं। डायल मोड के लिए करना पड़ेगा आपको कोड देना, कोड है यहाँ पे इसका डायल मोड का 401। तो यहाँ पे देखिए को डायल मोड, अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, को नंबर 1 सेलेक्ट कर दिया। तो अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है DTMF इसका मोड जो है। तो आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पल्स भी मिलेगा मोड, इसके अलावा सी ब्लैक मोड मिलेगा, और उसके अलावा फिर से हम DTMF में आ जाएंगे। तो हमें DTMF जो वो आपको प्रेफर करूँगा, क्योंकि अब आजकल तो एनालॉग सिस्टम नहीं है, तो इसलिए ये ज़रा DTMF जो है ये ज़रा फास्ट काम करता है। इसके लिए को 2 में भी जाएंगे, वहाँ पे भी DTMF है, 3 में जाएंगे, वहाँ पे भी DTMF है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पल्स कर सकते हैं, सी ब्लैक कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको स्टोर नहीं करते, और मैं एग्ज़िट कर देता हूँ अपने टेलीफोन से। तो ये जितनी भी सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने मैं इस पेपर से बता रहा हूँ, जो कि आपको साथ में नया मिलेगा जब आप परचेज़ करेंगे। अगर आपके पास यूज है तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ये बहुत लंबी चौड़ी इस पर लिखी हुई है। इतनी ज़्यादा इसमें फैसिलिटी है कि जो लोग इंस्टॉल करवा रहे होते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता। तो नॉर्मल जो बेसिक सेटिंग है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो अगर किसी की ज़रूरत पड़ी अब नेक्स्ट, तो हम वो अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे कि इसको किस तरह से PC से मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फ़ीमानिल्ला एंड अल्लाह हाफिज़। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि अभी देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर 11 मतलब डेट शो हो रही है। अगर आप किसी तरह से इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे ईयर आ जाएगा, ये जितनी भी चेंजिंग होंगी स्टार से होंगी, और ये एक टाइम आप करेंगे जो प्रेस जो एड स्क्रीन पे होगा वही बाद में भी रहेगा। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, नॉर्मली यही रहने देते हैं डेट और टाइम। तो अल्लाह हाफिज़।